दोस्तों, ये जो रूम हीटर है आप देख रहे हो, ये है थर्मोकिंग कंपनी का बना हुआ। लास्ट ईयर अमेजोन से परचेज किया था, एक साल हो गया इसको यूज़ करते हुए, और इस ठंड में भी बढ़िया से अपना काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मोकिंग लिखा हुआ है, और सेम इसी तरह के हीटर ना दूसरी कंपनीज़ की भी आते हैं, जैसे बजाज और पेट या फिर इवन रसेल होब्स जैसी कंपनी भी, सेम इसी तरह के आपको रूम हीटर मिल जाएंगे। फंक्शन सेम रहेंगे, दो नोब दिए होंगे, दो बटन जिसको मैं कह सकता हूँ, एक जिससे फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए और दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली थर्मोस्टेट होगा, उसी को कंट्रोल करते हैं और एक टेम्परेचर के बाद कटआउट कर देते हैं। और बिल्ड जो क्वालिटी है डिसेंट है, सॉलिड है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, और काफ़ी लाइट वेट भी है। तो किसी भी कंपनी का आप खरीदते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, वारंटी वाला जो पार्ट है ना वो जरूर दें। थर्मोकिंग कंपनी वारंटी देती है एक साल की, बट बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे कि थर्मोकिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो वारंटी अच्छे से कवर नहीं करते हैं और बहुत सारे उनको इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा कि इस तरह का अगर आप रूम हीटर खरीदना चाह रहे हो तो भैया किसी अच्छी कंपनी का ही खरीदें, क्योंकि सेम प्राइस में मिल जाएंगे आपको जिसकी सर्विसेज अवेलेबल हो आपके एरिया में। लेंथ 1 मीटर के अराउंड, 1.5 मीटर की है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि रूम में आप इसको नीचे कहीं भी रख सकते हो। अब आपको एक दिखाता हूँ एक चीज़, आप देख सकते हो मैं टी शर्ट में बैठा हूँ बड़े आराम से यहाँ पे, और क्योंकि रूम का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई हो चुका है, बाहर काफ़ी ठंडा है, बाहर कितनी ठंडा है मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। इस हीटर को चलाए हुए हमें 2 से 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर नोएडा में अभी वो है 9 डिग्री के आसपास, वो आप यहाँ देख सकते हो 9 डिग्री, या फिर सेल्सियस में अगर बात करूँ तो 9 डिग्री और फारेनहाइट में 48 डिग्री फारेनहाइट है। और अगर आप इसको 1-2 घंटे यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद अगर रूम ओपन नहीं करते हैं, मतलब कोई भी गेट नहीं खुला है, तो रूम का टेम्परेचर लगभग 23-24 आराम से पहुंच जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी कुछ लोगों ने बोला कि ये हीटर जो है हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना, कि उन्होंने बोला कि ऑयल हीटर जो है ज़्यादा बेटर रहते हैं। बाकी भैया मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं इसका, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो आप देख सकते हो टी शर्ट में बैठा हूँ बड़े आराम से 9 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ।